Yıldırım Beş. ये रेडियो जुम्बेश उर्दू की आवाज है। आज 11 अगस्त मंगल का दिन और साल 2020 है। आपका मेजबान हमीरा बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है। बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन में होने वाले एक बम धमाके में 6 अफराद हलाक और 20 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। हलाकतों में इजाफा का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ANP के सदर असफन यार वली खान ने धमाके की शदीद मजम्मत करके उसे हालात खराब करने की साजिश कहा है। बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों और राजनपुर में लापता भुगटी बलोचों के मावरा अदालत कत्ल के खिलाफ जर्मनी में बलोच रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इसी दौरान आ गई मुहिम के तहत मकामी अफराद में फार्म फ्लैट तकसीम किए गए। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबों की तबाहकारियां जारी हैं। हुकूमती अदद व शुमार के मुताबिक बारिशों से 9 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद इलाकों का एक दूसरे से राब्ता कट गया है। मगरबी बलूचिस्तान के अहम बलोच रहनुमा सरदार हमीदुल्ला सरदारजई ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में वफात पा गए हैं। तफसील खबरों में शामिल है। भारतीय रियासत राजस्थान के जिला जोधपुर के एक फार्म से 11 पाकिस्तानी हिंदू मुहाजरीन की लाशें बरामद हुई हैं। खलीज तावन कौंसिल के चेयर अराकिन ने अक्वामे मुत्तहिदा से कहा है कि ईरान को हथियारों के तरसीले के बैन अक्वामी पाबंदियों की मुद्दत में इजाफा की जाए। लिबनान के वजीर आजम बेरूत धमाके के बाद शदीद अवामी रद्द अमल के नतीजे में अपना काबीना समेत मुस्तहफी हो गया है। इसराइली फौजी ने दावा किया कि उन्होंने गोलान में एक ईरानी सेल्स को निशाना बनाकर तबाह किया है। ब्राजील में कोरोना वायरस के सबब होने वाली हलाकतों की तादाद 1 लाख जबकि मुतासरीन की तादाद 30 लाख से तजावज कर गयी। ये थी चंद अहम खबरों की सुर्खियाँ। आज की न्यूज बुलेटिन में शामिल बलूचिस्तान से मुतल्लिक खबरें सारिन बलोच पेश करेंगी। बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन में मॉल रोड पर जोरदार धमाका हुआ है। धमाके में 6 अफराद हलाक और 15 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। बम हमले में पाकिस्तानी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया गया है जिसके नतीजे में उन्हें जानी और माली नुकसान उठाने पड़े हैं। ताहम पाकिस्तानी हुकाम ने इस हवाले से कोई तफसीलात फराहम नहीं की है। धमाके के बाद पुलिस की भारी नफरी मॉल रोड पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे शुरू किए हैं। मकामी अफराद के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। धमाके से वहां मौजूद मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। दूसरी तरफ मकामी अफराद इस धमाके को शक की निगाह से देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है। बाज हलकों का कहना है कि ये धमाका अफगान बॉर्डर की बंदिश के खिलाफ चमन के अवाम की जारी पुरमन जद्दोजहद को नुकसान पहुंचाने की दानिस्ता कोशिश है। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर असफन यार वली खान ने चमन में धमाके की मजम्मत करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में बदमनी की नई लहर तशवीशनाक है। अगर अमली इकदाम न उठाए गए तो हालात मजीद खराब होंगे। उन्होंने कहा कि बेगुनाह अवाम और बच्चों को नाहक शहीद करना इंसानियत सोज अमल है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। जबकि चमन में गुज़िश्ता कुछ अरसे से हालात खराब करने की साजिश की जा रही है। बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों में तेजी और राजनपुर में लापता भुगटी बलूचों की मावरा अदालत कत्ल के खिलाफ जर्मनी के शहर स्टटगार्ट में बलूच रिपब्लिकन पार्टी के जेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे के दौरान मकामी लोगों और सयाहों में पम्फलेट तकसीम किए गए जिन पर बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों में इजाफे और राजनपुर में भुगटी कबीले से ताल्लुक रखने वाले 5 अफराद के मावरा कानून कत्ल की तफसीलात दर्ज थे। के दौरान BRP के कारकुनों का कहना था कि बलूचिस्तान में हालिया दिनों में जबरी गुमशुदगियों में तेजी के साथ इजाफा हुआ है। इसी दौरान केच में एक हफ्ते के दौरान 8 लोगों को लापता किया गया है जबकि डेरा बुकटी के इलाके जैनको में भी पाकिस्तानी फौज के हाथों लोगों को अगवा करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जबकि ईद से एक रोज कबल पंजाब पुलिस ने बुकटी कबीले से ताल्लुक रखने वाले पहले से लापता 5 अफराद को जाली मुकाबले में शहीद
बंद करके उन्हें मुसल्ला मजामत कार करार दिया जो हकायक के मुनाफी है। मज़कूरा तमाम लोग पहले से पाकिस्तानी अस्करी इदारों की तहवील में थे जिन्हें मुख्तलिफ शहरों से अगवा किया गया था। मुजाहरीन ने इंसानी हकूक के इदारों और जर्मन हुकूमत से अपील की कि वो बलूचिस्तान में काबिज पाकिस्तानी फौज के हाथों आम लोगों के कत्लेआम का नोटिस लें। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी है। सैलाब से सिबी की कई राबता सड़कें टूट चुकी हैं, जबकि बोलांग के करीब दरियाई नाड़ी बिफर गया और नाड़ी हेडवर्क्स के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। गंदावा शहर के आधे हिस्से में बरसाती रुबाती दाखिल होने से मुतादिद मकानात गिर गए हैं, जबकि मवासलाती निजाम भी बुरी तरह मुतासिर है। जाफराबाद में ओस्ता मोहम्मद डेरामुराद जमाली मरकजी शाहरा सोहबतपुर में बरसाती रेलों से खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि खुजदार लसबेला ग्वादर और माड़ा और तुरबत में भी बारिशों से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बोलान में टूटे हुए बीबी नानी पुल की मरम्मत करके ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। अलबत्ता बीबी नानी के मकाम पर टूटने वाली गैस पाइपलाइनों की मरम्मत भी शुरू नहीं हो सकी है, जिससे क्वेटा मस्तुंग पिशीन और जियारत को गैस की फराहमी मुअत्तल है। कठपुतली हुकूमत बलूचिस्तान की जारी एदाद शुमार के मुताबिक बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में अब तक 9 अफराद हलाक हो चुके हैं। बलूचिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आया है। महकमे सेहत के मुताबिक मुतासिर होने वाला एक 20 माह का बच्चा है और उसके अहलखाना क्वेटा की यूनियन काउंसिल मियांगंडी में रहते हैं। मुतासिर बच्चे की दो टांगी मफलूज हो गए हैं। मगरबी बलूचिस्तान के अहम बलूच रहनुमा सरदार हमीदुल्ला ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में वफात पा गए हैं। सरदार हमीदुल्ला काफी अरसे से अलील थे और तेहरान में उनका इलाज चल रहा था। सरदार हमीदुल्ला सरदारजई कबीले के सरबरा थे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले बलूचों की तरफ से सरदार हमीदुल्ला के रहलत पर शदीद दुख का इजहार किया जा रहा है। हमीदुल्ला सरदारजई ने इब्तदाई तालीम 1989 में मशरिकी बलूचिस्तान के इलाके जीवनी से हासिल करके मजीद तालीम कराची से हासिल की। हमीदुल्ला सरदार जई कई सालों तक लंदन में खुद साख्ता जिलावतनी इख्तियार करने के बाद मगरबी बलूचिस्तान लौट आए थे। हमीदुल्ला सरदार जई ईरान में बलूच कौमी हकूक के तहफ़ के लिए जिद्दोजहद के हवाले से जाने जाते थे। उन्हें मशरिकी व मगरबी बलूचिस्तान में इज्जत कदर की निगाह से देखा जाता था। नेशनल पार्टी के मरकजी सदर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा है कि इंतखाबात में जमहूरी सियासी जमायतों का रास्ता रोककर गैर अवामी लोगों को ऐवानों तक पहुंचाया गया, जिनके पास अवामी फलाह बहबूद के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी और लूटमार ने अवाम की कमर तोड़कर रख दी है, जबकि तालीम सेहत समेत तमाम शोबे तनजली की जानब गामजन है। डॉक्टर मालिक बलोच का कहना था नसीराबाद डिवीजन में किसान जरई और पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने बलूचिस्तान की अदालतों में जेर अल्तवा मुकदमात की तफसील जारी की है, जिसके मुताबिक बलूचिस्तान हाई कोर्ट में साइलीन के 5,313 मुकदमात फैसले के मुंतजर हैं और बलूचिस्तान के मातहत अदलिया में 17,000 मुकदमात के फैसले होना बाकी है। ये थी सारिन बलोच। अब इलाके और आलमी खबरें सुनते हैं खलील वाडेला से। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने पाकिस्तान के साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी समेत 10 मुलजमान पर पार्क लैंड कंपनी रेफरेंस में पर्दे जुर्म आयद कर दी है। नैब की तरफ से दायर किए गए रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी को पार्क लैंड कंपनी के डायरेक्टर के तौर पर नामजद किया गया है। इस दौरान मुलजिम आसिफ अली जरदारी अदालत में पेश नहीं हुए और कराची में अपनी रिहायशगाह से वीडियो लिंक के जरिए इन पर पर्दे जुर्म आयद की गई। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि उन्हें पाकिस्तान को 18वीं तरमीम देने की सजा दी जा रही है।
अफगानिस्तान के सूबा गजनी में एक फौजी यूनिट पर बम हमले में 7 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए हैं। अफगान वजारत दाखिला के तर्जमान तारिक आरेन ने कहा है कि गजनी के इलाके फौजी यूनिट को बम से अदब बनाया गया, जिसमें 7 सिक्योरिटी एहलकार हलाक और 16 जख्मी हो गए हैं। हमले की जिम्मेदारी तहाल किसी ने कबूल नहीं की। अमरीका के नुमाइंदा खसूसी बराए अफगान मफाहमत जुल्मे कलीलजाद ने तवक्का जाहिर की है कि आइंदा चंद रोज के दौरान तालिबान कैदियों की रिहाई का अमल मुकम्मल होने के बाद कतर के दारुल हुकूमत दोहा में बैनल अफगान अमन मुजाकरात शुरू हो जाएंगे। जुल्मे कलीलजाद का ये बयान आतवार को काबुल में होने वाले अफगान लोया जरगा की तरफ से जारी होने वाले मुश्तरका अलामिये के बाद सामने आया है। जुल्मे कलीलजाद ने लोया जरगे अलामिया और अफगान सदर अशरफ गनी की तरफ से बाकी कैदियों की रिहाई के हुक्मनामे पर दस्तखत के फैसले का खैर मकदम किया है। दूसरी तरफ अफगान तालिबान के तर्जमान सोहेल शाहीन ने कहा है कि हमारा मौकिफ बिल्कुल वाज़ेह है, तालिबान कैदियों की रिहाई का सिलसिला मुकम्मल होने के साथ ही हम बैनल अफगान अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार होंगे। भारतीय रियासत राजस्थान के जिला जोधपुर के एक फार्म से 11 हिंदू पाकिस्तानी मुहाजरीन की लाशें मिली हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक कच्चा जाहिर किया जा रहा है कि जहरीली गैस की वजह से ये अफराद हलाक हुए हैं। मकामी शहरियों का कहना है कि खानदान के अफराद ने इज्तमाही खुदकुशी की है। मकामी पुलिस के मुताबिक जाए वकुआ से फसलों में इस्तेमाल होने वाली खाद की बू आ रही थी। हो सकता है इन्होंने ये केमिकल पानी में कर पी लिया हो। मुतासरा खानदान ने 2012 में पाकिस्तान के सूबे सिंध से हिजरत की थी। भारत ने आतवार के रोज फौजी साजो सामान के 101 आइटम्स पर पाबंदी आयद कर दी है, जो दिसंबर से आयद होगी और 2025 के दिसंबर तक जारी रहेगी। एकाम के मुताबिक ये पाबंदी मकामी मसनूआत को सहारा देने के लिए आयद की गई है। हथियारों से मुतल्लिक जिन चीजों पर पाबंदी लगाई गई है, इनमें आर्टिलरी गन्स, असैलेट राइफल्स का बारूद, नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल होने वाले जंगी तैयारे और हल्के वजन के जंगी हेलीकॉप्टर शामिल हैं। कलीजी ताउन काउंसिल के 6 अराकीन ने अक्वामे मुत्तेदा से कहा है कि ईरान को हथियारों की तरसील के बैनल अक्वामी इम्तना की मुद्दत में तौसी कर दी जाए। खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कलीजी ताउन काउंसिल के 6 अरकान ने आतवार के दिन जारी करदा एक बयान में कहा है कि चूंकि ईरान मुसलसल अपने पड़ोसी मुल्कों में मुदाखलत करता आ रहा है, इसलिए ये जरूरी है कि ईरान के लिए हथियारों की तरसील पर अक्वामे मुत्तेदा की जानिब से आयद पाबंदी की मुद्दत में तौसी कर दी जाए। कलीजी ताउन काउंसिल में बहरेन, कुवैत, ओमान, कतर, मुत्तहदा अरब इमारत और सऊदी अरब शामिल हैं। हांगकांग की पुलिस ने सबसे बड़े मीडिया टाइकून जिमी लाए समेत 7 अफराद को नए सिक्योरिटी कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पीर को जिमी लाए के मीडिया ग्रुप नेक्स्ट डिजिटल के हेडक्वार्टर का मुआसरा करके तलाशी ली। इस मौके पर पुलिस और सिक्योरिटी के हमले के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई, जबकि जिमी लाए को उनके रिहायशगाह से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मजीद कहा है कि 39 से 72 बरस के 7 अफराद को सिक्योरिटी कानून के खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया है, तहम पुलिस ने गिरफ्तार अपराध के नाम जाहिर नहीं किए हैं। लेबनान के वजीर आजम एहसान दियाब ने बैरूत धमाके के बाद शदीद अवामी रद्द अमल के नतीजे में एक हफ्ते के बाद अपनी काबीना समेत इस्तीफा दे दिया है। इससे कबल उन्होंने सदर मशल ओन को मुतल्ला कर दिया था कि वो बहुत जल्द अपने ओहदे से मुस्ताफी हो रहे हैं। लेबनान की मीडिया ने वजीर आजम के बैरूत में तबाहकुन धमाके के बाद मुस्ताफी होने की तस्दीक करते हुए कहा है कि गुज़िश्ता चंद रोज में उनकी काबीना में शामिल बाज वज़रा और पार्लियामेंट के अरकान पहले ही मुस्ताफी हो चुके हैं। नाइजर में आतवार के रोज मोटरसाइकिल पर सवार मुसल्ला अफराद ने फायरिंग करके 11 अफराद को हलाक कर दिया है, जिसमें फ्रांसीसी इमदादी ग्रुप के 8 कारकुनान भी शामिल हैं। फ्रांसीसी सदर अमानुएल माक्रों ने इमदादी कारकुनों पर इस बुजदलाना हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि वो साहिली खत्ते में दहशतगर्द ग्रुपों के खात्मे के लिए नाइजर हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेंगे।
इसराइली फौज के तर्जमान ने दावा किया है कि गुज़िश्ता हफ्ते वादी गोलान में जिस अस्करी ग्रुप के अनासर को हमले का निशाना बनाया गया था वो ईरान के लिए काम कर रहा था और इसे ईरान की तरफ से बराह रास्त हिदायत मिल रही थी। इसराइली फौज के तर्जमान के मुताबिक इसराइल ईरान को जौहरी हथियारों के उसूल से रोकने और शाम में अपने इंतहा पसंदाना नेटवर्क को मजबूत होने से रोकने के काम कर रहा है। ब्राजील में कोरोना वायरस के सबब होने वाली हलाकतों की तादाद 1 लाख से तजावज कर गई है। ब्राजील में 3 माह के दौरान वायरस के सबब कम से कम 50,000 अफराद हलाक हुए थे और फिर सिर्फ 50 दिनों में ये तादाद दुगना हो गई। अब तक ब्राजील में 30 लाख से जायद अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। अगरचे मुल्क में वायरस अभी उरूज पर है मगर दुकानें और रेस्तोरान खोल दिए गए हैं। इसी के साथ ही आज की न्यूज बुलेटिन का इख्तिताम होता है। अपने मेजबान मीरा बलोच को इजाजत दीजिए और मजीद खबरों के लिए विजिट करते रहें हमारे वेबसाइट strumbish.com।